हमारे समाज की, हमारे परिवार की बेटी दीक्षा शास्त्री जी और कथा पंडाल में उपस्थित सभी हमारे पूजा योग्य आदरणीय बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई राजीव यादव जी और सभी हमारे आदरणीय रिश्तेदार मंच पर बैठे हमारी बहन जी का साथ दे रहे सभी सम्मानित उनके साथी, आप सबको बहुत बहुत बधाई, वंदन और अभिनंदन के साथ कथा का समायोजन भाई गुड्डू यादव जी, महेंद्र यादव जी, शैलेंद्र जी और योगेंद्र जी और इनके पूरे परिवार ने मिलकर जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया उसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई। और कामना करते हैं हम परमपिता परमेश्वर से कि आप यूं ही धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए। हम आशा करते हैं उस परमपिता परमेश्वर से कि वो जरूर आपकी मनोकामना पूर्ति करते हुए आपको सुख और संपन्नता के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। और हम तो आपके रिश्तेदार हैं, जैसे भी हैं, समय बेशक चाहे कम मिले लेकिन इतना जरूर भरोसा आप आपको दिलाते हैं कि जहां आपके मान सम्मान की बात होगी हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके आपके मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और खुशी सबसे ज्यादा इस बात की आज हमें हुई कि दीक्षा शास्त्री जी ने बड़ी छोटी उम्र में अपना बहुत नाम कमाया। इनका एक गाना वायरल हुआ था, आपको शायद सुनाया भी होगा इन्होंने, और उसी गाने के साथ इन्होंने बहुत नाम कमाया, अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ा रही हैं। और खुशी तब बहुत ज्यादा होती जब अपने ही समाज की बेटियां सेना में कर्नल और जनरल के पद पर जाकर देश की सीमा की रक्षा करती हैं, अपने ही समाज की बेटियां जहाज उड़ाने का काम करती हैं, अपने ही समाज की बेटियां चिकित्सा क्षेत्र में आगे जाकर के लोगों को स्वस्थ जीवन देने का काम करती हैं। और तब मन गदगद हो जाता है जब अपने ही समाज की बेटियां भागवत व्यास के मंच पर बैठ करके आप सबको परमपिता परमेश्वर से मिलाने का काम करते हैं। ये सौभाग्य, ये परम सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। और इसके जन्मदाता स्वामी आधार चेतन जी हैं जिन्हें हम सबको हमेशा सम्मान देना चाहिए, उनका स्वागत और सम्मान करना चाहिए। और जहाँ राजनीति के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो स्वर्गीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने हम सबको बहुत लंबी पहचान दिलाने का काम किया है, उन्हें भी हम सबको कभी नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः बधाई, इस पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करके आप सबको परमपिता परमेश्वर से दीक्षा शास्त्री जी के माध्यम से मिलाने का काम किया। और आप सबको बधाई जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के अपना कीमती समय दिया। और हम ये जरूर आशा करते हैं उस परमपिता परमेश्वर बांके बिहारी लाल से कि आप सबकी मनोकामनाएं जो इस कथा पंडाल में बैठे हैं जरूर पूरी होंगी। और जो नहीं आ पाए किसी कारणवश, जिनके कान में भी भगवान के नाम का संकीर्तन अगर गया है तो उनकी भी मनोकामनाएं पूरी होंगी, इसी आशा विश्वास के साथ। अब बहन जी ने कहा कि एक भजन सुनाएंगे तो जरूर एक छोटा मोटा टूटा फूटा सुनाएंगे। और इतना हम जरूर आप सबसे कहेंगे कि जहां भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा हो वहां शर्माना नहीं चाहिए किसी को भी, वहां बिना किसी छल कपट देश भाव के आप भगवान के नाम के संकीर्तन में खड़े होकर एक बार झूम जाओगे तो हम निश्चित कहते हैं कि 1 साल के आपके संकट बाधाएं सब कट जाती हैं। तो इसी आशा विश्वास के साथ आप सबसे भी निवेदन करेंगे। और देखो हम तो यहाँ ससुराल में बैठे हैं, सब लोग जानते भी होंगे तो ससुराल का रास्ता बड़ा अलग होता है दीक्षा में, होता कि नहीं होता? प्यारी खूब है लेकिन टाइम कम है हमारे पास, प्यारी बहुत ज्यादा है। और ये भी हमने अभी भरोसा दिलाया कि आप सबके सम्मान में आधी रात की अगर हमें समय मिलेगा आप बुलाओगे तो हम जरूर आप सबसे भी कहेंगे बड़े भक्ति भाव के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन अपनी अपनी जगह पे जिसका भी दिल करे
खड़े होकर के एक बार अगर हाजिरी लगा देंगे तो दीक्षा बहन की ताकत बढ़ जाएगी। और हम ये जरूर उम्मीद करते हैं कि ये आगे भविष्य में बहुत बड़ी कथावाचक बनेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपना बहुत बड़ा नाम किया, अपने परिवार और अपने समाज के साथ अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ने का काम। तो एक छोटा सा भजन आप सबको प्रस्तुत है। कि तेरी रोन झोन रोन झोन हो श्याम की बज रही पे जनिया, देखो मजा ही नहीं आ रहा। हमें तो ये लग रहा है कि सिला चौरा के लोग खा के सो जाते हैं साहब, और रोटी ज्यादा खाते हैं काम कम करते हैं। तो तुम्हें अपने अपने पड़ोसी की कसम है, मानोगे कि नहीं मानोगे? और नहीं मानोगे तो फिर हम अपनी कसम खिलाएंगे। अपने अपने पड़ोसी की कसम है, ऊपर पूरी तालियों के साथ अपने हाथ करके और बड़े भक्ति भाव के साथ भजन को बोलेंगे।